इस वक्त हम हिसार के पटवार खाने के अंदर मौजूद और एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि हिसार के पटवार खाने के अंदर सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी रेड पड़ी है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त पटवार खाने का दरवाजा आपको दिखाना चाहेंगे, एक एक दरवाजा आपको दिखाऊंगी जहां पर 12 बजे का समय हो चुका है लेकिन अभी तक कोई भी पटवारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। वहीं आप लोग देख सकते हैं बाकायदा हर एक गेट के ताला लगा हुआ है लेकिन इन बिल्डिंगों का पेंट किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक भी पटवारी नहीं आ रहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हिसार के पटवार खाने के अंदर सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी रेड पड़ी है। वहीं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है हिसार का पटवार खाना जहां पर कुछ समय पहले एक और ऐसा केस आया था करनाल के अंदर, जहां पटवार खाने के अंदर जाकर के एक पत्रकार ने इसी तरीके से तहकीकात की थी, स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहां पर पटवारी बिल्कुल भी नहीं मिले थे। वहीं इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी रेड पड़ी है। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ 2 एसआई भी यहां पर पहुंचे हैं। वहीं आप लोग देख सकते हैं पूरा पटवार खाना आपको दिखा रहे हैं और ये सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के पटवार खानों के अंदर कई जगह इसी रेड को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर आकर के देखा गया कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपको बता दूं, शिकायतें जो है काफी समय से हिसार के पटवार खाने की मिल रही थी लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक यहाँ पर कोई भी पटवारी नहीं आया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 पटवारी आए थे लेकिन वो भी जो है बाकायदा वापिस चले गए। वहीं लोगों की ढेर सारी समस्याएं हैं, लोग अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी कितने बजे आए थे सुबह? सवेरे आए थे जी, मैं तो 5 बजे। 5 बजे आ गए थे आप यहाँ? 5 बजे से पटवार खाने के बाहर इंतजार कर रहे हो आप? और के? पहले तो आपको बता दूं ये ऐसा पटवार खाना है जहाँ पर ना तो कोई सिटिंग बनाई गई है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो इंतजार के ऊपर इंतजार करता रहता है। अधिकारी जो है अपना आराम से सो करके लेट लतीफी के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और आज तो हद ही हो गई कि यहाँ पर एक भी अधिकारी नहीं पहुँचा। ये बताइए क्या काम करवाने के लिए आए थे आज आप यहाँ? मैंने तो लेना था इंतकाल। इंतकाल देना था? पहले भी आए थे? पहले इंतकाल का आज फोन करिया था, काल मेरे दौरा बोले सवेरा आ जाइए। तो यहाँ इंतकाल जो है काम समय के ऊपर कर दिए जाते हैं, चक्कर के ऊपर चक्कर कटवाए जाते हैं? चक्कर कटवाऊ है, चक्कर कटवाते हैं और के। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपसे कोई डिमांड भी की गई कि इतने पैसे दे दो हम आपका इंतकाल बनवा देंगे? ना पेशा पैसा को नहीं कही। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिसार के यहाँ पटवार खाने के अंदर की जा रही है। कुछ और लोग भी मौजूद है। मुझे बताइए सुबह कितने बजे आए थे आप? मैं तो 9 बजे आता था। 9 बजे आए थे, तो यहाँ पे जो है पता चल रहा है कि कुछ 2-3 पटवारी आए थे लेकिन आकर के वापस चले गए, इस बात के अंदर सच्चाई है? हाँ जी, तब भी दे के गए थे। अच्छा, तो आज वापस क्यों चले गए? तहसील में गए थे जी। तहसील में गए थे, तो ये देख लीजिए कहीं ना कहीं बचाने की भी कोशिशें की जा रही हैं लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और सीएम फ्लाइंग की जो ये रेड पड़ी है उसके अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक भी पटवारी इस वक्त नहीं पहुँचा था। वहीं सामने की तरफ आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा पटवार भवन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। वहीं जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो कार्रवाई बनती है वो उच्च अधिकारी इस पर करेंगे। तो विजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ है। सर मुझे ये बताइए पटवार खाने के अंदर आज एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं मिला, क्या रोज़ाना जो है इसी तरीके की शिकायतें हिसार के पटवार भवन को लेकर के आपके पास आ रही थी? मैडम जो ड्यूटी में स्टेट है वो अलग अलग औचक निरीक्षण के लिए अलग अलग लगाए जाते हैं, जबकि सीएम फ्लाइंग के पास ये मेरे साथी सही हैं, इनके पास इस तरह की शिकायतें थी और जो भी आज की कार्रवाई बनेगी हम इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। सर बाकायदा ऐसा होता है कि यहाँ पर आकर के सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ती है, आगे आप लोग रिपोर्ट बना करके दे देते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती है, तो कितने समय तक ये कार्रवाई जो है डिले होती रहेगी और दस्तावेजों के अंदर यूँ ही पिसती रहेगी? इस आपके प्रश्न के लिए मैडम हम आज की इस कार्रवाई की रिपोर्ट के बारे में आपको आश्वस्त करते हैं कि अभी पूरी निरीक्षण होने के बाद कार्रवाई इसकी दी जाएगी और उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी। कार्रवाई सिर्फ हिसार के पटवार खाने के अंदर आज की गई है या फिर पूरे हरियाणा के पटवार खानों के अंदर है? और हमें कोई जानकारी नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट की, हमें को यहीं के लिए इंगित किया गया था इन 2 सेंटर्स के लिए और इन 2 सेंटर्स पर हम कार्यालय समय। सर दूसरा सेंटर कौन सा बता पाएंगे? इधर साथ ही है मैडम जिस पर आपने विजिट की, जहाँ बीड़ के पटवारी बैठते हैं, 8 पटवारी 4 रूम्स में बैठते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के कितने पटवारी यहाँ पर बैठते हैं और कितने मौजूद हैं? मेरे साथियों ने 13-14 पटवारी यहाँ इन दोनों बिल्डिंग में बैठते हैं। 18 जी आपको यहाँ पर कितने पटवारी मिले? अभी 10 मिनट पहले एक आए हैं, बाकी कोई नहीं मिला। सर क्या वजह लगती है कि आप
ये क्योंकि अभी ऑफिस बंद है, अभी हमारे को कोई रिकॉर्ड का किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं कर पाए हैं, तो इस प्रश्न का जवाब तो हम थोड़ा सा और जांच रिपोर्ट को आगे बढ़ने के बाद बता पाएंगे। सर सुबह के आप कितने बजे आए थे और अब कितने बजे का समय हो चुका है, कितना घंटा हो चुका है आपको? मैं 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे और अभी समय 11:50 हो चुका है। तो अभी तक एक भी पटवारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है? एक पटवारी अभी, एक पटवारी आए हैं 11:30 बजे। तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की किस वजह से वो लोग नहीं आते हैं? ये तो मैडम अभी इनको हम रिपोर्ट बनाएंगे, हम तो इनका लिख देंगे भाई इस टाइम आए हैं, इनका जो जवाब बनेगा वो ये अपना जवाब देंगे जैसा भी इनकी सिचुएशन रही होगी। तो आपको बता देते हैं कि बड़ी कार्रवाई इस वक्त सीएम फ्लाइंग की तरफ से की गई है। वहीं अंदर की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पर जो है पटवारी बैठा करते हैं और आज जो है यहां पर एक ही पटवारी पहुंचे हैं, इसके अलावा अन्य कोई भी पटवारी नहीं पहुंचा है। तो एक पटवारी बताया जा रहा है कि इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। सर अभी अभी जो है सीएम फ्लाइंग की यहां पर रेड पड़ी है, आप घड़ी के अंदर देख सकते हैं कि 11:50 का समय हुआ है, लेकिन पटवारी कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था, पीछे का कारण बता पाएंगे? मैं तो फील्ड में बारिश की रिपोर्ट लेने के लिए गया था और तहसील में रिपोर्ट दे के 11 बजे यहाँ पहुँच चुके हूँ, 11 से 1 का फिक्स कर रखे टाइम ऑफिस टाइम। ठीक है, तो आपका 11 से 1 बजे का टाइम फिक्स है, लेकिन अभी जो है 12 बजने को हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता? 20 बार डैम घूम के बारिश की रिपोर्ट दे के आए हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए टाइम लग गया। तो रोजाना क्या यहाँ पर यही हाल रहता है कि पटवारी आते ही नहीं है? ना, परमानेंट बैठते 9 से 5 हम तो डेली, आज बारिश के कारण लेट हो गए। आप 9 से 5 कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, सीएम फ्लाइंग ने यहाँ पर आकर के रेकी की है कई दिन, लेकिन आप लोग 11 बजे से पहले तो यहाँ आते ही नहीं है। 3-5 से पहले की तो हम कह नहीं सकते, 3-5 के बाद 9 से 5 यहाँ परमानेंट बैठते हैं। अच्छा, हाँ, सर क्या काम करवाने के लिए आए हैं आज आप? रिपोर्ट लिखे हैं जी, अपने वैल्यू जमीन की वैल्यू लिखवा रहे हैं। अच्छा, कितने बजे आए थे? बस अभी आए हैं जी, भी आए हैं वकील साहब। हाँ जी, और इससे पहले भी आए थे आप? इससे पहले नहीं आए। तो सर जो और पटवारी आज बता पाएंगे क्यों नहीं आए? कोर्ट में तारीख पे है। अच्छा, हाँ, वो अभी आने वाली है, 10 मिनट में आ जाएगी। एक पटवारी जी फील्ड में ही है अभी, कोई निशानदेही पर जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के कितने पटवारी यहाँ पर बैठते हैं? बैठते हैं 4 सिटी के, तो यहाँ पर 3 बार भीड़ वाला जो पटवार खाने वाला का तो हम नहीं कह सकते जी क्या बैठते हैं, इस बार हम नहीं बता सकते। तो आप लोग देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि बारिश की रिपोर्ट लेने के लिए गए हुए थे फील्ड के अंदर। खैर, इस बात का खुलासा जो है वो तो सीएम फ्लाइंग ही करेगी। आपके सामने हमने दोनों पक्ष रख दिए हैं, सीएम फ्लाइंग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वहीं जो है पटवारी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो बकायदा अभी सिर्फ 5-6 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पटवार खाने के अंदर सरकारी नौकरी की वजह से, आज वर्किंग डे होने की वजह से भी जो है आज यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है, लेकिन क्या सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाना और उसके बाद सरकारी नौकरी को जो है लोगों के लिए उनके सामने ना रखना, क्या आप लोग ये सही मानते हैं? क्योंकि एक इंसान सरकारी नौकरी इसीलिए करता है ताकि वो आम लोगों की सेवा कर सके, उनके काम करवा सके, लेकिन आज के हालात आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के हिसार के पटवार खाने के। खैर, ये सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि ये भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा में कई जगह के पटवार खानों के ऊपर इसी तरीके से सीएम फ्लाइंग की रेड की गई है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आपका एक्सपीरियंस पटवार खाने को लेकर के कुछ रहा है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए, और यहां पर आने के बाद कितने घंटे आपको इंतजार करना पड़ता है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट है हिसार के पटवार भवन से, नमस्कार।